प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी होली मनाई गई। इनमें गोरखपुर भी एक था, जहां होली के समारोह में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मां विजय के बाद सीएम योगी की आम लोगों के साथ ये पहली होली थी, इसीलिए ये मौका बेहद खास था। सीएम योगी ने गोरखपुर जिले में और कमिश्नरी में महाविजय दिलाने के लिए जनता का बार बार धन्यवाद दिया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अपने भाषण के अंत में जय श्री राम के नारे भी लगाए। शपथ ग्रहण से ठीक पहले इसे यूपी की जनता के लिए योगी का रामराज्य संदेश माना जा रहा है। महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पटस्थायो नमस्ते नमस्ते। कोरोना कालखंड के बाद आज अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित है आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है गोरखपुर महानगर के इस समिति तथा यहाँ के नागरिकों के तरफ से। योगी जी के पास रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, रंगों से सराबोर हो चुके हैं यहाँ लोग। भव्य रंग छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल बरसाया जा रहा है और जो लोग आगे चल रहे हैं ढोल नगाड़े की थाप पर गूंज पर डांस हो रहा है। लोग यहाँ पर रंग अबीर गुलाल से और फूलों की होली से। राम राज्य का योगी संदेश। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पहली बार गोरखपुर की नौ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और नौ की नौ सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। गोरखपुर से प्रहलाद गर्जना। होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। हर बड़ी चुनौती को सीधी ललकार। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा। कुशासन के सोच पर सुशासन वाला प्रहार। चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर और निष्प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शपथ ग्रहण से पहले होली पर भगवा हुंकार। पहली बार गोरखपुर की नौ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और नौ की नौ सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। पूज्य महाराज जी को पगड़ी पहनाएंगे श्रीमान। गोरखपुर में नया शंखनाद, जनता को सीएम का धन्यवाद। गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बाईस विजय के बाद अब 2024 पर नजर। हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है। विजय पर्व का शपथ योग।